इसमें जैन दिगंबर संप्रदाय के एक महान आचार्य कुशाग्र नंदी जी गुरुदेव ने जैन इतिहास का सबसे कठिन व्रत जो 150 साल के इतिहास में मात्र यह तीसरे संत ने किया है, और इस बीच में ये व्रत के अंदर 256 उपवास होते हैं, और जैन समाज के अंदर जो भी उपवास होते हैं वह पूरे निर्जल होते हैं, मतलब पानी तक भी नहीं लिया जाता है। ऐसे एक कठिन उपवास बहुत कम साधुओं ने किया, और ये 150 साल के इतिहास में ये तीसरे संत है, और इस 21वीं सदी के ये पहले संत है जिन्होंने 256 उपवास किए हैं। और इसका जो आहार का पारणा का समारंभ समारोह है, और उनके दीक्षा को आज 28 साल पूरे हो रहे हैं, उस 28 साल की दीक्षा जयंती और इस तपोत्सव को दोनों एक साथ में अपन ने ऐतिहासिक तपोत्सव के रूप में मनाने का यह कार्यक्रम आज यहाँ पे रखा गया। ये आचार्य महाराज जी का दीक्षा जयंती को 28 साल हो गए, हर साल ये दीक्षा जयंती मनाती है। ये 28वीं दीक्षा जयंती जो है ये आज के दिन बड़े विशेष रूप से ऐतिहासिक रूप से इसे मनाया जा रहा है, और पूरे भारतवर्ष के अंदर आज जितने भी जैन संत हैं, जैन संप्रदाय हैं, उनके जैन संत हैं, उन सभी संतों में इतनी महान इतनी कठिन तपस्या करने वाले इस 21वीं सदी के ये पहले संत हैं, और इनकी आहारचर्या में मात्र 4 साल से दूध और पानी ही ग्रहण करते हैं और कुछ भी नहीं खाते पीते हैं। तो इस इतिहास को हम एक दोहराने के लिए, इसका महोत्सव मनाने के लिए, इसको एक ऐतिहासिक तपोत्सव इस तरह का नाम दे करके ये हमने यहाँ पर मनाने भारी मात्राओं में भक्तों की भीड़ लगी हुई है, इस पे आप उन भक्तों को क्या संदेश देना चाहेंगे? इसके अंदर सबसे बड़ा हमारा कॉन्सेप्ट यही है कि महाराज जी का ये तपोत्सव मात्र एक निमित्त है, इसके बीच में हम लोगों को एक जीव दया का विशेष संदेश देना चाहेंगे। जैसे नॉन वायलेंस के ऊपर है, जो गांधी जी के तत्व है, जो महावीर के तत्व है, जो बुद्ध की मैत्री है, कृष्ण का प्रेम है, राम की मर्यादा है, जीसस का सेवा भाव है, और पुराण के अंदर लिखा है जैसे भाईचारा के तत्व है, ये सारे संप्रदायों को तत्व, संत भले ही जैन संत होते हैं लेकिन उनके जो उपदेश है वो जन जन के हितार्थ होते हैं। तो कोई भी संप्रदाय से संबंधित न होकर के, इसमें जैन पब्लिक भी आई हुई है, हिंदू पब्लिक भी आई हुई है, कुछ अदर लोग भी आए हुए, सभी तरह के लोग इसमें मौजूद हैं, जो आज इस जीव दया के प्रोग्राम के लिए बनाने के लिए, जीव दया का संदेश पूरे विश्व में फैलाने के लिए आज के दिन हम एक जीवन क्रांति मिशन का एक विशेष रूप से यहाँ पर संगठन और घोषणा यहाँ पर कर रहे हैं, जिसके अंदर पूरे भारतवर्ष से सिर्फ जैन ही नहीं बल्कि जीव दया प्रेमी जो भी है इस संस्था के साथ जुड़ करके एक विशेष तरह का विश्व स्तरीय कार्य हमारे यहाँ कर सकते हैं। यही भावना के साथ, मैत्री प्रेम भावना के साथ, अहिंसा का प्रचार के लिए आज का प्रोग्राम विशेष रूप से। कल नवरात्रि शुरू हो रहा है, आज के दिन जो है ये कार्यक्रम हो रहा है, तो हर साल ऐसा ही होता है कि आज इस साल से हम प्रारंभ कर रहे हैं कि इसको हर साल हो, हर महीना शिविर करें, हर महीना प्रोग्राम करें, और जिन लोगों के अंदर जो हिंसा के भाव जगे हुए हैं, जो आतंकवाद के भाव जग चुके हैं, जो भेदभाव के बातों से हमारे बीच में जो झगड़े झंझट होते हैं, तो हम आपस में भाईचारा की बात को रखते हुए एक जीव दया, जैसे कि है कि जीव दया का मतलब मात्र गो रक्षा करना ही नहीं बल्कि सभी प्राणियों पर जीव दया होनी चाहिए। जीव दया हर कार्य में होती है, जैसे मनुष्यों के लिए जीव दया करना चाहिए, उसमें ये मतलब नहीं कि वो जैन है या हिंदू है, मुसलमान है कि क्रिश्चियन है, हमें मात्र जीव दया है कि उसकी सेवा करनी है, चाहे पशु हो, पक्षी हो, चाहे मनुष्य हो, चाहे किसी भी प्रकार के जीव हो, उनके लिए सेवा भाव देना, सेवा देना, नगर नगर में एम्बुलेंस की व्यवस्था करवाना, नगर नगर में ब्लड बैंक करवाना, ब्लड डोनेशन शिविर आदि करवाना, इस तरह का कार्य ये महाराज जी ने आज आदेश दिया है कि आज से इस कार्य को प्रारंभ करते हैं और इसके विशाल रूप में विश्व स्तर पर हमें ले जाना है। सर, इलेक्शन का माहौल चल रहा है, आपका समाज पूरे देश को एक अच्छे पीएम की तलाश है, आपका समाज कैसे पीएम चाहते हैं? आप इसके अंदर मैं ये कहना चाहूँगा कि समाज कोई भी हो, राजनीति एक ऐसी चीज है जिसके अंदर अच्छे व्यक्ति की तलाश हर किसी को है, साधु संतों को भी है, समाज को भी है, हर देशभक्त को है, लेकिन हम अभी तय नहीं कर सकते कि कौन सच्चा उम्मीदवार हो सकता है, कौन सच्चा प्रधानमंत्री हो सकता है, जिसके लिए हमें अथक प्रयास करना पड़ेगा और हर किसी के मन की भावनाओं को जानना पड़ेगा, जो कभी भेदभाव ना करें, जो किसी तरह का भ्रष्टाचार में ना हो, किसी तरह के आतंकवाद
विवाद में ना हो, किसी तरह के विवादों में ना हो, इस तरह से नहीं विवादों में फंसता हुआ कोई उम्मीदवार यदि कोई आता है और जो देश के लिए हितकार करता है और पक्षपात न करते हुए जो कार्य जो सेवा भाव करता है, ऐसे उम्मीदवार की तलाश हर किसी को है। सर अभी इस कार्यक्रम में लगभग कितने लोग अभी उपस्थित हैं? यहाँ पे लगभग 5,000 के ऊपर लोग मौजूद हैं, जिसके अंदर और भी लोगों के आने की शाम के कार्यक्रम में बहुत आशंका है, क्योंकि शाम में सांस्कृतिक कार्यक्रम अधिक आयोजन यहाँ पे किया गया। तो सर अभी इस समय आपको देख रहे हैं, चाहे वो वेबसाइट के जरिए देख रहे हो चाहे क्षेत्र के लिए, उनको क्या संदेश देंगे? क्या एक संदेश ये देंगे कि चुनाव के लिए संदेश है कि वोट बुकिंग जरूर करें और शांति को? मैं ये तो संदेश जरूर देना चाहूंगा कि वोटिंग सभी लोग करें, ताकि हर व्यक्ति का वोट जरूरी है। भले वो प्रधानमंत्री बनता हो, लेकिन हर व्यक्ति का उसके वोट का जरूरी होता है, तभी वो प्रधानमंत्री बनता है। हम वोट दबा करके हम देश के साथ में गद्दारी करते हैं। हमें वोट नहीं दबाना है, हमें वोट जरूर देना है, लेकिन ऐसे व्यक्ति को देना है जो हमारे देश के लिए हमारे राष्ट्र के लिए हितार्थ में हो। ऐसे व्यक्ति को हमें वोटिंग करनी चाहिए और वोट चाहे कोई भी व्यक्ति हो, हर कोई अपने यहाँ जा करके वोटिंग जरूर करना चाहेंगे। फ्रॉम इंस्पेक्टर मीडिया एंड एंटरटेनमेंट, ये जो प्रोग्राम हुआ है ये हमें बहुत ही कम दिनों का टाइम मिला इसको मैनेजमेंट करने का। मुश्किल से 15 से 20 दिन के अंदर हमने ये पूरा मैनेज किया है। काफ़ी सारे हमें प्रॉब्लम्स आई थी, बट महाराज जी के आशीर्वाद से वो सब संपन्न हो गया। आज जितना भी विशाल पांडाल देख रहे हो आप, ये आई थिंक जैन समाज के अंदर पूरे बॉम्बे में सबसे विशाल पांडाल ये पहली बार इस तरह का प्रोग्राम जहाँ तक मैं समझता हूँ हुआ है। और अगर महाराज जी का आशीर्वाद रहा तो इससे भी ज़्यादा प्रोग्राम करने का हमारा आगे का प्लान है। तो मैं सभी से गुजारिश करूंगा कि जितने भी हमारे दिगंबर जैन समाज के लोग हैं, वो सभी के लोग अपनी धार्मिक भावनाओं के साथ में यहाँ पे आए और इस प्रोग्राम को, आगे आने वाले प्रोग्राम को सक्सेस बनाए। बस मैं यही कहना चाहूँगा। ये हमारा आइडिया था कि कुछ 3,000 से 4,000 क्राउड आना है, बट अभी तक करीबन 7,000 से 8,000 क्राउड हमें लग रहा है कि ऑलमोस्ट यहाँ पे है। और जैसे शाम होगा तो क्राउड भरेगा, 10,000 के आसपास का क्राउड का आने का हमारे पास में है। ये आज का प्रोग्राम है, आज ही का प्रोग्राम है ये, और कल सुबह जो रहेगा वो विधान का प्रोग्राम है, जो कुछ 2 से 3 घंटे का विधान का प्रोग्राम किया है, उसका भी भव्य आयोजन किया गया है। ऐसा है तो मेरी सभी जैन धर्मों से अपना कि सभी लोग यहाँ पे आए और धर्म का लाभ उठाए। जो लोग मेरे पास सुन रहे हैं अभी, या आगे आने वाले प्रोग्राम के अंदर कुशलता गजी महाराज के जो भी प्रोग्राम हो, एक बार ऐसा भी होता है कि चुनावी माहौल है, कई ऐसे वोटरों को लुभाने के लिए कुछ इस तरह का, तो ये बिल्कुल नहीं, ये एक धार्मिक प्रोग्राम है। आप देख रहे होंगे चारों तो धार्मिक माहौल है, और इसके अलावा यहाँ पे कोई भी चीज का, किसी भी नेतागिरी वोटिंग ऐसा कोई चीज नहीं है। पूरा जो भी प्रोग्राम ये है पूरे धार्मिक से बना हुआ है, इसके अलावा यहाँ पे और कोई दूसरा नाम नहीं है, केवल धार्मिक प्रोग्राम है। अभी इस समय आप प्रोग्राम कर रहे हैं और प्रोग्राम करने में टाइम लगता है, चुनाव आ रहा है, लेकिन अगर एक मतदाता की तरफ देखा जाए तो क्या इस तरह उस दिन आप प्रोग्राम का आयोजन करेंगे, क्योंकि लोग वोट देना चाहते हैं? नहीं सर, देखिए मैं किसी भी चुनावी माहौल में कोई इंटरेस्ट नहीं लेता हूँ। मेरा काम है धार्मिक प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज करना, मैं उसी में इंटरेस्ट देता हूँ। मैं किसी भी नेता का या कोई प्रोग्राम करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, मेरे को वोट में भी कोई इंटरेस्ट नहीं है। मैं जो भी जीते वही है कि ये मुंबई की तरक्की करे, और कोई मतलब नहीं है।